तो आप तमाम अपने अपने पॉइंट्स पे पहुंचे और जहां पे भी आपको 18 साल से कम उम्र का कोई ड्राइवर या बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हो कोई शख्स नजर आता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बेसिकली तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अपने बच्चों को देखें और उनको बाइक ना चलाने दें। देखो बेटा, वालेकुम सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। कहाँ से आ रहे हो आप? स्कूल से। तो आप बाइक पे स्कूल जाते हो? नहीं सर, आज भी आते। किस क्लास में आप पढ़ते हो? थ्री। कितनी उम्र है आपकी? नहीं बेटा, आप तो अभी बाइक चला नहीं सकते, आपकी देखिए आपकी टांगे नीचे नहीं जा रही अभी पूरी। आपको वालिद मना नहीं करते? किधर होते हैं आपके वालिद साहब? नीचे आ जाओ बेटा, इनका मोटरसाइकिल ले कब्जे में, इनको थाने ले जाएं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और इनके वालिद को भी उधर बुलाएं। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इस्तगासा इस बच्चे का। अच्छा। जो कम उम्र है और ड्राइविंग कर रहा था, मोटरसाइकिल पे स्कूल जा रहा था। हाँ बिल्कुल, इस बच्चे का वालिद भी आया हुआ है, मैं उसको भी बुलवा लेता हूँ। ये आपका बच्चा है? जी। ये आपने इसको बाइक दी है? ये कमसिन बच्चा जो है वो बाइक चला रहा है रोड के ऊपर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? मैं घर पर मौजूद नहीं था, इस वजह से इसने बाइक लेके आगे मेरे में नहीं चाहिए। आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। मैं सब जॉब करता है, इस वजह से कमसन बच्चों का मोटरसाइकिल चलाना जहां कानूनन जुर्म है, दूसरी तरफ ये इनके अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बहस है। तमाम वालदान से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, किसी सूरत उनको मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें, ताकि आपके अपने बच्चों की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज किया जा सके।